अथर्ववेद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद है, केवल 12 मंत्र है बस। हम चेतना चेतना पढ़ते हैं, जो चेतना का वर्णन है, इस चेतना के 4 चरण हैं, उन 4 चरणों का वर्णन इसी उपनिषद में है। चेतना रूपी परमात्मा का या आत्मा के 4 पाद ही 4 चरण हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उपनिषद किससे लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। पहला मंत्र है, ओम इति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपाख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वं ओंकारमेव यच्च अन्यत्रिकारातीतं तदपि ओंकारमेव। जैसे ईशावास्यमिदं में पहला जो था, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत, संपूर्ण जगत किससे था? आसादित था ईश्वर से। इसमें कहा गया इस जगत में जो कुछ है, ठीक है, ये तद, ये जो दिखने में जो जगत आ रहा है, ये सब क्या है? ओम ही है। यहाँ इस ओम को ही कहा गया है। जिस प्रकार ईशावास्य उपनिषद, ठीक है, जिस प्रकार ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि संपूर्ण जगत ईश गया है, ये संपूर्ण जगत ओम का ही उपव्याख्यान है। अर्थात जो ये जगत दिख रहा है, ये जो जगत ये चराचर जगत जो कुछ दिख रहा है, वह सब क्या है? ओम ही है। इस ओम का उपव्याख्यान है, अर्थात ओम से ही निकला हुआ है, ओम से ही प्रकटीकरण है, प्रकटीकृत है। अर्थात ये ओम ही सब कुछ है, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म जो कहो सब कुछ ओम है। ठीक है, फिर क्या कहा? भूत भवत भविष्यति सर्वम ओंकार, तीनों काल, भूत वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल ही ओम है। और क्या बोल रहे आगे? त्रिकलातीत, इन तीनों कालों से भी जो परे हैं, जो सब कुछ है, वो भी ओम है। अर्थात सब जो इस जगत में दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो भूत है जो भविष्य है, वो सब का सब क्या है? ओम है। इस प्रकार ओम की व्याख्या इसमें की गई है। ठीक इस प्रकार ओम की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है, ये ओम अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत इसी का महिमा को प्रकट करता है, इसी का व्याख्यान करता है, इसी की कथा को कह रहा है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का संसार भी ओमकार है, और तीनों कालों से अन्य जो तत्व जो कुछ भी है वो सब ओम है। इस प्रकार ओमकार की महत्ता का वर्णन किया गया है।
दूसरे मंत्र में कहा है एतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है। फिर कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार ये एक महावाक्य आ गया अथर्ववेद का और मांडुक्य उपनिषद का, ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म कहां से लिया गया है, ये आत्मा भी ब्रह्म है, सब जगत ब्रह्म है, सब ब्रह्म है और आत्मा भी ब्रह्म है। तो दूसरे मंत्र में कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, मानव जीवन के अस्तित्व का बोध कराते हुए ऋषि कहते हैं यह आत्मा तथा ये जीवात्मा भी ब्रह्म है, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, हम सब ब्रह्म है, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा कहा गया है सब कुछ ब्रह्म है, ईशावास्य में सब कुछ कहा गया था ईश था, इसमें सब कुछ ब्रह्म है, हम सब कुछ और ये आत्मा भी ब्रह्म है। उसमें कहा था सो हम, मैं वही हूं जो वो ईश्वर है, और इसमें कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म। आगे कहते हैं ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, या फिर ये जो ब्रह्म है, ये चार पादों वाला है, कितने पादों वाला, चार पाद का, चार चरणों वाला, और यही चेतना की चार चरण है, चार चरण उनका वर्णन अब आ रहा है, को पढ़ते हैं। अगले चार मंत्रों में चेतना के चार नाम और चार पादों का वर्णन किया गया है। चेतना का प्रथम पाद, ठीक है, चेतना का प्रथम पाद जो जागृत अवस्था में रहता है, किस अवस्था में, जागृत, उसको विश्वानर कहा गया है, क्या कहा गया है, विश्वानर, जो आकार से प्राप्त होता है, ओंकार की कौन सी सहायता से, आकार से प्राप्त होता है। फिर दूसरी है स्वप्न, दूसरा चरण कौन सा है, प्रथम और ये दूसरा स्वप्न, स्वप्न को क्या कहा गया है, तेजस, स्वप्न को कहा गया है तेजस, ये उकार से प्राप्त होता है। तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, चेतना की तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, और ये प्राज्ञ अवस्था कहलाती है, प्राज्ञ, ठीक है, और ये मकार से प्राप्त होती है, और जो चौथी अवस्था है वो तुरिया अवस्था कहलाती है, तुरिया अवस्था, ये अवस्था वो वेद कहलाती है, अर्थात शिवम अवस्था, कल्याणकारी अवस्था भी कह सकते हो और अद्वैतम अवस्था भी, मतलब ब्रह्म के साथ अभिन्नता, ब्रह्म और जीव दो नहीं एक। शिवो अद्वैत, ठीक है, और ये ओम पूर्ण ओम से ही मिल पाती है। इस प्रकार ये चेतना की चार अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुरिया अवस्था, ठीक है, इन चारों के चार नाम है, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिवो अद्वैत, शिवम और अद्वैतम, दोनों एक साथ है, शिव और अद्वैत मतलब कल्याणकारी, शिव की तरह, और अद्वैत अभिन्न, ईश्वर से अभिन्न, ब्रह्म से अभिन्न, ब्रह्म और जीव दो नहीं एक, ठीक है, और किस किस से प्राप्ति है, आकार से, उकार से, मकार से, संपूर्ण ओम से, इस प्रकार ये चार अवस्थाएं, चार प्रकार से। अब आगे इस उपनिषद में इनकी साधना करने पर क्या प्राप्त होता है, आकार से साधना करने पर, उकार से, मकार से, ओंकार से, इन साधनाओं का कहा गया, वर्णन किया गया, तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ब्रह्म परमात्मा चार पाद चार चरणों वाला है। प्रथम चरण व्यस्तवानर अकार मात्रा। व्यस्तवानर कैसी है? जागृत अवस्था में रहती है। चेतना की अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। वही प्रज्ञ जागृत अवस्था में बाहर का बोध करते हैं, वही प्रज्ञ। ठीक है, सात अंग और 19 मुख वाला का स्थूल का भोगता है। ये जो व्यस्तवानर है, सात अंग 19 मुख, तो जो कुछ स्थूल जगत है उसका भोगता है। अब इन चारों की चार अवस्थाएं एक और कर सकते हैं। ठीक है, ये स्थूल शरीर है हमारा, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, और ये हमारी आत्मा है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो जो जागृत अवस्था को व्यस्तवानर अवस्था है परमात्मा के द्वारा, ये बाह्य प्रज्ञ बाहर की ओर देखने वाला है। कौन है? बाहर की ओर बोध करने वाला है। तुम जागृत अवस्था में क्या करते हैं? जो कुछ जगत में घटित हो रहा है उस सब को हम देख रहे हैं, तो बाहर की ओर बोध करने वाला। सात मुख 19 मुख, 19 मुख में क्या है? 10 इंद्रियां आ जाती है और पंच प्राण आ जाते हैं, अंतःकरण चतुष्टय है, ये इतने इसके भीतर आ जाते हैं, ये 19। ठीक है, 19 मुख का स्थूल भोक्ता, जो कुछ स्थूल तत्व है उसका भोक्ता ये व्यस्तवानर है, अर्थात जागृत अवस्था में स्थूल का भोग करता है। ठीक है, आगे द्वितीय तेजस, द्वितीय चरण तेजस स्वप्न अवस्था में आता है। किस अवस्था में? स्वप्न के समान अव्यक्त। यह अवस्था क्या है? अव्यक्त अवस्था है, जिसका अधिष्ठान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतःचक्षु से होता है। अदृश्य लोक का ज्ञान अंतःचक्षु द्वारा होता है। द्वारा ये चेतना की स्वप्न अवस्था है। ठीक है, तो सूक्ष्म विषयों का भोगता है। ये किसका भोगता है? सूक्ष्म विषयों का, सूक्ष्म विषयों का भोग करता है, अर्थात ये मानस लोक में रहता है। विचार ज्ञान सुख इस अवस्था की जो जितना है ये सब इस चेतना की इस अवस्था में आता है। ये तेजस अवस्था जो स्वप्न अवस्था कहलाती है चेतना। ठीक है, स्थूल भोगता है, सूक्ष्म विषयों का भोगता है। ठीक है, अब तीसरा चरण है प्राज्ञ। तीसरा चरण है प्राज्ञ, जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और ना ही स्वप्न देखता है, ना मनस लोक में रहता है और ना स्वप्न लोक में रहता है और ना स्थूल लोक में रहता है। गहरी निद्रा में हम किसी भोग की कोई कामना नहीं करते, हमें भान ही नहीं रहता है। ठीक है, तो वो अवस्था जिसमें ना तो किसी भोग की कामना करता है ना कोई स्वप्न देखता है, अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में एकाग्र वृत्ति हो जाती है। कौन सी वृत्ति हो जाती है? एकाग्र, एकाग्र वृत्ति, और प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप हो जाता है साधक। ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप, ये अवस्था सामान्य अवस्था है, चेतना की सामान्य अवस्था है। ये अवस्था चेतना की ध्यान अवस्था के लगभग की चली जाती है, और ये अवस्था समाधि की अवस्था है, और ये अवस्था समाधि की कौन सी अवस्था? जिसको निर्वीज समाधि कहते हैं, अर्थात जिसमें वो परमात्मा के निकट पहुंच जाता है, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म और उसके साथ एकाकार तदाकार हो जाता है, वो अवस्था तुरीय अवस्था है। ठीक है, तो जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता, ना स्वप्न देखता, वह सुप्त अवस्था है। सुप्ति अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान वाला आनंद रूप आनंद भोगता है, तेजो में चैतन्य है, वो तेजो में मुख वाला हो जाता है, तेजस हो जाता है, और प्राग्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। इसमें चैतन्य एकदम तेजो में हो जाता है। जो में क्यों जाता है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो तेजो में हो जाता है। अब चौथी तुरीय अवस्था, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः
प्रज्ञम न प्रज्ञान घन्नम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्रह्यम अलक्ष्यम अचिंत्यम अव्ययम अपद्येश्यम एकात्म प्रत्यसारम पंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेये। अर्थात अद्वैत अवस्था का इतना ज्यादा वर्णन किया, क्या कहा गया, जो ना तो अंतर प्रज्ञा वाला है और ना बाह्य प्रज्ञा वाला, अर्थात दोनों ओर की प्रज्ञा वाला भी नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज भी नहीं है, ना ज्ञान है ना अज्ञान है, जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से गम्य नहीं है, तब प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये अवस्था ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा बोध नहीं की जा सकती, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो एक चिंतन की कथन की सीमा से परे है, जिसका हम चिंतन करके भी कहे उस सीमा से भी परे है, ठीक है, जैसे ब्रह्म का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता, इन उपनिषद में कहा ना, तो ये कहता कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, उसने नहीं जान पाया, तो वही अवस्था है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, बोध से ही इस अवस्था को पाया जा सकता है, अन्य अवस्था में नहीं, ठीक है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जहां संपूर्ण प्रपंच फिट जाते हैं, अर्थात जो संसार का व्यापार है, सुख दुख मान हानि लाभ हानि इतना कुछ सब कुछ है, वो सब लुप्त हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, जो शांत स्वरूप कल्याणमय अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चौथा चरण है, वही ब्रह्म है, यही जानने योग्य है, शांत स्वरूप शिवम अद्वैत जो ब्रह्म की अवस्था आ जाती है, ठीक है, यही ब्रह्म का चौथा चरण है, यही चौथा चरण है। ये तीन तो हम ज्ञान चक्षु द्वारा चिंतन के द्वारा ध्यान समाधि का देख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, ये तो केवल अनुभूत अनुभूत हुआ तभी इस कल्याणकारी रूप को देख सकते हैं और बुद्धि से परे हैं, समस्त प्रपंच यहाँ शांत हो जाते हैं, अर्थात जगत में हम जो कुछ करते हैं सब समाप्त, यहाँ अवस्था आते तक सतोगुण अवस्था आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये अवस्था तो निरुद्ध अवस्था है, ये तो विरुद्ध अवस्था जो मैं बोलते हैं त्रिगुणाती, तीनों गुणों से परे की अवस्था है, ये तुरिया अवस्था है, ठीक है। अब अकार की साधना से, उकार की साधना से, मकार की साधना से और ओंकार की साधना से क्या फल है, उसका वर्णन बताया गया है, ठीक है। ओंकार में हमें सबको पता है आ ऊ मा तीनों है, इनको मिलकर ही ओम बना है, ठीक है, आ और ऊ जब मिलते हैं तो गुण संधि होती है, उससे ओम बनता है, और ये होता है तीन का प्रतीक, ठीक है। संस्कृत में तीन प्रकार का उच्चारण है, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत और लंबा, ओ इसलिए ओम का उच्चारण लंबा करते हैं, संस्कृत व्याकरण में का आया है, और फिर मा, ठीक है, आधा महलंत वाला, इस प्रकार ये ओम बना है, ये ओम आ उ मा से, ये तीन मात्राएं हैं आ उ मा। अब किसकी साधना से क्या मिलेगा, उसका फल का वर्णन कहा गया है, ओम की अकार मात्रा को जान लेने पर, व्यवस्था इस अकार मात्रा को यदि साधक जान लेता है तो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण कामनाओं और सबका प्रधान अर्थात सबका वरिष्ठ बन जाता है, सबका वरिष्ठ बन जाता है, साधक अकार को जान लेता है, क्योंकि यह सबका आदि तत्व है, आ ही सृष्टि का आदि तत्व है, समस्त संसार की व्याकरण देख लेना उठा लेना, आ से ही शुरू होता है वर्णमाला, ठीक है, ए कह दो चाहे कुछ भी कह दो सब आ से ही शुरू होती है, इसलिए आकार मात्रा को जान लेने पर एक तो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता सबका वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। अब ओम की उकार मात्रा, ओम की उकार मात्रा को जान लेने पर साधक ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रज्ञा जाग जाती है, बुद्धि जाग जाती है, दृश्य लोगों का भी ज्ञान हो जाता है, और क्या वह समभाव में हो जाता है, ठीक है, गीता में कहा ना समत्वम योग उच्यते, उकार को जानने वाले उकार की साधना के द्वारा उकार को जो जान लेता है वह समभाव वाला हो जाता है, तथा उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला कोई नहीं होता है, अर्थात उसके कुल में ब्रह्म को जानने वाला कोई नहीं होता है, अर्थात स्वयं ब्रह्म को जानता है जान लेता है, और उसके कुल में
इसलिए ऋषि परंपरा निरंतर चलती आ रही थी भारत में, क्योंकि ओम की साधना की, उकार साधना की, तो निरंतर ऋषियों के जन्म, ऋषि कुल अनेकों अनेक ऋषि उत्पन्न होते रहे। अब ओम की मकार मात्रा, तो ओम की मकार मात्रा को जान ले पर साधक संपूर्ण विश्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मकार मात्रा को जान लेगा तो संपूर्ण जगत का यथार्थ ज्ञान समाधिस्थ हो जाता है, तो उसको पता चल जाता सत्य क्या असत्य क्या, सत्य असत्य ही संपूर्ण जगत का यथार्थ ज्ञान है। ठीक है, अर्थात जैसे शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है अर्थात ये नश्वर होने वाला है, और तो ब्रह्म में वो अनश्वर है, तो इसका ज्ञान हो जाएगा किसकी, मकार की साधना कर लेने पर। ठीक है, अथेता पूर्ण हो अर्थात मात्रा रही, ये तीनों मात्राएं होगी, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, ये अलग अलग मात्रा। अब मात्रा रहित ओम अर्थात पूर्ण ओम, पूर्ण ओम की जो साधना कर लेता है, जो पूर्ण ओम को जान लेता है, वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रतिष्ठित करा लेता है। वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को किसमें प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म में, अर्थात वो और ब्रह्म एक हो जाते हैं। अद्वैत दो नहीं एक, अद्वैत का क्या होता है, दो नहीं एक, वेदांत में अद्वैत वेदांत आदि गुरु शंकराचार्य का वो मांडुक्य उपनिषद के आधार पर ही आधारित है। ठीक है, तो ब्रह्म के साथ दो नहीं, जैसे जीव और ब्रह्म भिन्न है, ठीक है, लेकिन जीवात्मा और ब्रह्म अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्म शरीर रहित है, हम शरीर वाले हैं, लेकिन दो नहीं है एक है। इस प्रकार चारों के फल आ उ मा और ओम का प्रथम मात्रा, आकार मात्रा, उकार मात्रा, मकार मात्रा को जान लेने पर की साधना से, आकार मात्रा को जान लेने पर क्या फल, उकार मात्रा को जान लेने पर क्या फल, और मकार मात्रा को जान लेने पर क्या फल, ओम को जान लेने पर क्या फल, तो आत्मज्ञानी हो जाता है ज्ञान के द्वारा आत्मा को परिष्कृत है ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म हो जाता है, शिवम हो जाता है, स्वयं शिव बन जाता है, स्वयं अद्वैत हो जाता है ब्रह्म के साथ, फिर वह और ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म के अंदर गुण है, सारे के सारे गुण इस पुर्यावस्था वाले साधक के भीतर होते हैं, इस ओम की साधना वाले साधक के भीतर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चेतना के चार अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुप्ति अवस्था और तुर्यावस्था, इसको वैश्वानर कहते हैं। ठीक है, इसको तेजस अवस्था कहते हैं, इसको प्राज्ञ अवस्था कहते हैं, इसको शिवम या अद्वैत, शिवो अद्वैत अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये अकार द्वारा गम्य है, ये उकार द्वारा गम्य है, ये मकार द्वारा गम्य है, ये ओमकार द्वारा गम्य है, ये हमारा स्थूल जगत है, ये हमारा सूक्ष्म जगत है, ये हमारा कारण जगत है, तो ये हमारा आत्म जगत है, आत्मा जगत। इस प्रकार ओम की मात्रा चार मात्राएं, चेतना के चार चरण और चेतना की चार अवस्थाएं, ठीक है, चार अवस्थाएं ये हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ मांडुक्य उपनिषद पूर्ण हुआ। सर ओमकार की, ओम की मकार मात्रा को एक बार बता सकते हो आप?